जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये वीडियो मलेशिया से रोमानिया का वर्क परमिट 100% डन बेस के ऊपर जो है ना, मैंने वीडियो बनाई थी, लोगों का अच्छा रिस्पांस भी आया, लोगों ने रबते भी किए, लोगों का काम मेन जो काम है जो मलेशिया से डन बेस का करने का वो यही था कि मलेशिया के अंदर आपको पता है कि जनरल हजरात जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रॉड करती है और बहुत बड़ी तादाद में लोगों के पैसे मरे हैं। 1000 यूरो, 2000 यूरो, 3000 यूरो ऑनलाइन सबमिशन उनको दे दी, फेक वर्क परमिट उनको दे दिए, बाद में कुछ नहीं मिला। सही है, तो 3-3, 4-4 हज़ार यूरो एडवांस दिए लोगों ने। तो लिहाजा तो मैंने कहा जो है ना, मैंने ये जो है ना अपने भाइयों के लिए जो है ना डन बेस के ऊपर जो है काम किया, यानी कि वीज़ा लगने के बाद आपने पैसे देने हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए किया है कि ताकि मेरे भाई जो है ना बच सके। और दूसरी बात, कुछ लोग जो है ना रबता करते हैं, ये अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये वो है जो वाकई जाना चाहते हैं वही रबता किया करें, दूसरे बंदे रबता ना किया करें, क्योंकि जो चस्का पार्टी है उनकी वजह से दूसरे बंदों को टाइम देना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना मैं अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो है ना आप जो मर्ज़ी समझे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपनी शख्सियत का तारुफ करवा रहे होते हैं, कुछ भाई मैसेज करते हैं, इतने मैसेज करने और उनको नंबर दिया जाता है, मैसेज करने का स्टाइल और ऊपर से कहते हैं जी तमीज़ नहीं है। ठीक है यार, जिस तरह की तुम बात करोगे आगे से आपको इस तरह का ही आंसर आएगा। और एक बंदा दिन में 400 से 500 बंदे के साथ रबता कर रहा है तो उसका थोड़ा सा बात करने का स्टाइल अलग होगा, आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया करें। और बाकाया आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का आंसर आगे से देते हैं, फिर उस तरह का रिप्लाई आप लोगों को आएगा। ठीक है, ये बात होगी। और दूसरी बात कि कोई थोड़ी बहुत मेरी ज़रा आवाज़ जो है वो थोड़ी सी तलख है, आप जो है ना इसके ऊपर माइंड ना किया करें। लेकिन जो है ना आप गाली और इस तरह अगर आपको कोई भी मसला मसाइल है, ठीक है, आप बात करते हैं, मसला मसाइल है, फैसलाबाद तहसील समुद्री आ जाए, सो बिस्मिल्लाह। ठीक है, देख लेते हैं आप लोगों की भी जो है ना आपके कितना पानी है। ठीक है, तो इस तरह बकवास या इस तरह की बातें करने का तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, फिर ये मैसेज कर कर जो है ना ब्लॉक भी जल्दी कर देते हैं। ठीक है, तो बाकी जो है ना रही बात, जो लीगल बंदे हैं जो वाकई जाना चाहते हैं वो रबता करें। और इसके मैं बताता हूँ, ठीक है, सियालकोट से बंदे थे, उनका सारा कुछ हुआ, डॉक्यूमेंट सेंड किए, शुक्र अल्लाह पाक का बचत होगी, सारी डील ये हुई कि वीज़ा लगने के बाद पैसे देने हैं। जब बाद में जो है ना, ठीक है, शाम को जी मैसेज करें जी हम जो है ना एयरपोर्ट क्लियर होने के बाद पैसे देंगे, जी डंकी लगा रहे हैं, वीज़ा लग रहा है, शुक्र करें इस तरह आपका कोई काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन वरना तो लोग जो है ना 1000-2000 यूरो से, जारी बात है यार, काम पैसा लगता है, पैसे के बगैर कुछ नहीं होता। एक बंदा जो है ना बगैर पैसे बगैर एडवांस के काम कर रहा है और फिर बाद में आपकी कमिटमेंट हो जाती है, उस कमिटमेंट के ऊपर आप पूरे नहीं उतरते। तो जो है ना जब 2-4 बंदे इस तरह करें ना, पूरे नहीं उतरते या इस तरह के, फिर जो है ना ये दूसरों का भी काम ख़राब करते हैं। ठीक है, लिहाजा जो बात करते हैं उसके ऊपर पूरा उतरा करें, जो नहीं पूरे उतर सकते तो फिर बात ना किया करें। और दूसरी बात, इसका ख़र्चा भी थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तब भी रबता करें। एयरपोर्ट क्लियर कोई चीज़ नहीं है, ये वर्क वीज़ा या विजिट वीज़ा नहीं होता जो एयरपोर्ट पर आपको मसला बनेगा, समझते हैं बात। ठीक है, और इसके अलावा जब आपका अगर किसी किस्म का मसला बनता है तो वो हम ही ज़िम्मेदार हैं। सही है, और मसला नहीं बनता जहाँ तक जो आपके ऊपर हम इत्माद कर कर आपका इतना बड़ा काम कर देते हैं और आप यहाँ पर आकर जो है सही है वो दिखा देते हैं। सही है, बाकी जो है ना यकीन अल्लाह पर रखा करें, उम्मीद हम पर रखा करें। सही है, बाकी अल्लाह पाक ख्याल करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ करें। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।